हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम न्यू डिजाइन में थाल पुष बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कलर की ऊन ली है और 10 नंबर की क्रोशिया ली है। फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 चैन बनाएंगे और लास्ट वाला चैन में हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर हम यहाँ पे देखिए एक पॉप बनाएंगे और फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर से हम एक पॉप बनाएंगे फिर 2 चैन बनाएंगे, इसी तरह से हम 7 पॉप बनाएंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे और फिर हम एक पॉप बनाएंगे। फिर 2 चैन, बनाने के बाद हम एक पॉप बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक और, सात हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 2 चैन बना के इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। अब हम फिर से यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और यहाँ हर चैन में हम 2 टाइम पॉप बनाएंगे। देखिए, एक, फिर 2 चैन बनाएंगे और फिर से एक पॉप बनाएंगे सेम चैन में। देखिए, फिर 2 चैन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ 2 पॉप बनाएंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे और सेम चैन में इसी में हम 1 टाइम और पॉप बनाएंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे और फिर हम इसी में 2 पॉप बनाएंगे। फिर 2 चैन, इसी तरीके से हम यहाँ तक पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चैन में हम 2 2 टाइम पॉप बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमने पूरा लाइन में 14 पॉप बना लिए हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हर एक चैन में हम 2 2 पॉप बनाए हैं। अब हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे और यहाँ पे इसे स्लिप कर देंगे। देखिए, फिर हम यहाँ आएंगे और अब हम फिर से, देखिए, 2 3,
पे हम दो पफ बनाएंगे, एक दो, एक बना के दो चैन लेंगे और फिर एक और पफ बनाएंगे। अब हम यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात चैन बनाएंगे और हम अब इस ये वाला चैन छोड़ के दूसरा चैन में हम देखिए यहाँ बनाए, फिर ये वाला छोड़ देंगे और यहाँ दूसरा चैन में हम फिर से दो पॉप बनाएंगे। एक फिर दो चैन बनाएंगे और फिर एक पॉप बनाएंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात चैन बनाएंगे और फिर ये वाला एक चैन छोड़ के दूसरा चैन में हम पॉप बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे, फिर एक पॉप बनाएंगे, फिर सात चैन लेंगे और ए वाला चैन छोड़ के इसमें हम दो पॉप बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा लाइन हो गया है। अब हम फिर से यहाँ पे सात चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे हम दो पॉप बनाएंगे, एक फिर दो चैन बनाएंगे और एक पॉप और बनाएंगे। अब हम यहाँ पे चार चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार, और यहाँ हम एक दो तीन तीन चैन छोड़ के चौथा चैन में हम इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चार चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार, और फिर हम यहाँ पे एक पॉप बनाएंगे। फिर से दो चैन बनाएंगे और एक पॉप और बनाएंगे सेम चैन में। फिर हम चार चैन बनाएंगे, तीन चार, और फिर यहाँ हम बीच में एक दो तीन तीन चैन छोड़ के चौथा चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चार चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे दो पॉप बनाएंगे। फिर दो चैन बनाएंगे, देखिए इसी तरीके से हम पूरा यहाँ तक बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने लाइन कंप्लीट कर ली है। अभी लास्ट वाला चैन में हम चार चैन लेके फिर यहाँ पे बीच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, और फिर हम चार चैन बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। फिर अब हम दो चैन बनाएंगे और यहाँ पे फिर हम एक पॉप बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर से सेम चैन में हम एक और पॉप बनाएंगे, और अब हम पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और ये जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाए थे इसी में हम फिर से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर से हम पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और इस चैन में हम फिर से दो टाइम पॉप बनाएंगे। एक पॉप बनाने के बाद दो चैन बनाएंगे, उसके बाद फिर से एक पॉप बनाएंगे। फिर हम पांच चैन बनाएंगे, चार पांच, और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया ऐसे, फिर पांच चैन, चार पांच, फिर यहाँ दो पॉप बनाएंगे, फिर दो चैन बना के एक और पॉप बनाएंगे, फिर से पांच चैन बना के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से चार चैन लेके यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। फिर देखिए दो चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे दो टाइम पफ बनाएंगे। अब हम छह चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से छह चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ। फिर दो चैन, फिर एक पॉप। फिर हम छह चैन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ, और फिर यहाँ हम बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से छह चैन बनाएंगे, चार पाँच छ, फिर यहाँ हम दो टाइम पॉप बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरा यहाँ तक बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। तो हम फिर छह चैन बना के और यहाँ पे इसको से दो चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम दो पॉप बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे एक और पॉप बनाएंगे। अब हम यहाँ पे सात चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चैन और एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर सात चैन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, देखिए फिर दो चैन, फिर एक पॉप। फिर देखिए फिर से सात चैन बनाएंगे और यहाँ यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सात चैन बनाएंगे, यहाँ पे दो पॉप बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। सात चैन लेके फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर सात चैन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात, और यहाँ पर हम इसको
इसको जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे हम दो चैन बनाएंगे और फिर एक पॉप बनाएंगे। फिर दो चैन बनाएंगे और फिर से एक पॉप, सेम चैन में हम एक पॉप और बनाएंगे। अब हम आठ चैन बनाएंगे यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आठ चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और फिर यहाँ पे हम दो टाइम पॉप बनाएंगे। एक पॉप बनाने के बाद दो चैन बनाएंगे, एक दो, फिर से हम एक पॉप बनाएंगे। फिर हम आठ चैन बना के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आठ चैन बना के यहाँ पे दो पॉप बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरा यहाँ तक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। और फिर से हम दो चैन बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे एक पॉप बनाएंगे। फिर दो चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम एक पॉप और बनाएंगे। अब हम यहाँ पे दस चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से दस चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और फिर हम यहाँ पे इस चैन में दो टाइम पॉप बनाएंगे। एक पॉप बनाने के बाद फिर यहाँ पे दो चैन बनाएंगे और फिर एक पॉप बनाएंगे। फिर से हम दस चैन बनाएंगे, देखिए फिर से हम दस चैन बनाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दस चैन बनाएंगे और यहाँ पे इस चैन में हम दो पॉप बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरा चारों तरफ लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए अब हम यहाँ पे दो चैन बनाएंगे और इसमें हम एक पॉप बनाएंगे। फिर से दो चैन बनाएंगे और फिर एक और पॉप बनाएंगे। फिर दो चैन बनाएंगे और देखिए इस बार हम इसमें तीन पॉप बनाएंगे, दो बन गया, एक और बनाएंगे सेम चैन में। ये देखिए एक दो तीन, और फिर हम दस चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और फिर यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन बनाएंगे और फिर यहाँ इस चैन में हम तीन टाइम पॉप बनाएंगे। देखिए फिर दो चैन बनाएंगे, फिर एक और पॉप बनाएंगे, एक और पॉप बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे और एक और पॉप इसी चैन में हम बनाएंगे। देखिए
फिर से 10 चैन बनाएंगे, देखिए इस तरह से, फिर 10 चैन बनाएंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इस चैन में हम 3 टाइम पॉप बनाएंगे, देखिए 1 2 3, ये अब हर एक चैन में हम 3 3 पॉप बनाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन भी हमारा पूरा हो गया। अब हम इसे यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ 2 चैन बनाएंगे और फिर इसमें हम 2 टाइम पॉप बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर 2 चैन, फिर 2 चैन और फिर से 1 पॉप और बनाएंगे। इस पर हमारा 4 पॉप बन गया, यहाँ 3 था, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चैन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 10 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 2 चैन, देखिए सेम चैन में 2 टाइम पॉप बनाएंगे, इस चैन में 2 टाइम और इस चैन में 2 टाइम, 4 पॉप हो जाएगा। एक 2 3 4, फिर से 10 चैन बनाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और फिर 10 चैन और यहाँ पे इस चैन में 2 और इस चैन में 2, 4 पॉप बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर से 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे हम 2 टाइम पॉप बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर से 2 पॉप, देखिए एक चैन में 2, फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2, इस तरह से हमारा 6 पॉप बन जाएगा। फिर 2 चैन बनाएंगे और इसमें भी 2 टाइम पॉप बनाएंगे, फिर से 2 चैन बनाएंगे, ये देखिए 2 4 6, इस टाइम हमारा 6 पॉप बन गया। फिर से हम 10 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 10 चैन, 4 5 6 7 8 9 10, और फिर हम यहाँ पे
फिर दो चैन और फिर सेम चैन में हम एक और पॉप बनाएंगे। एक चैन में दो, एक चैन में दो, एक चैन में दो, इस तरह से हमारा 6 पॉप बन जाएगा। फिर दो चैन बनाएंगे और फिर से इसमें हम दो टाइम पॉप बनाएंगे, फिर दो चैन, फिर से दो चैन और फिर इसमें हम दो पॉप बनाएंगे, फिर दो चैन और एक पॉप और, दो चार छः, इस लाइन में हमारा 6 पॉप बनेगा। 10 चैन बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 10 चैन बनाएंगे और यहाँ पे हम हर एक चैन में दो दो पॉप बनाएंगे तो हमारा 6 पॉप बन जाएगा। इसी तरीके से हम पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ इसको जोड़ देंगे, फिर से दो चैन बनाएंगे और यहाँ हम फिर से दो पॉप बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर से दो चैन बनाएंगे, फिर हम यहाँ दो पॉप बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर यहाँ हम दो पॉप बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे। दो चैन बनाने के बाद हम एक पॉप बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। इस बार हमारा 10 पॉप बनेगा। फिर से दो चैन, फिर यहाँ एक पॉप। देखिए यहाँ पे 10 हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। हर एक चैन में दो दो पॉप बनाना है। अब हम यहाँ पे 8 चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 8 चैन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ और फिर से हम यहाँ फिर दो चैन, फिर सेम चैन में हम एक टाइम और पॉप बनाएंगे, फिर से दो चैन बनाएंगे। अब हर एक चैन में हम दो दो पॉप बनाते जाएंगे। फिर दो चैन, फ्रेंड्स और भी नए डिजाइन थालपोश के नए नए डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे और एक पॉप बनाएंगे। फिर से दो चैन बनाएंगे और फिर इस चैन में हम दो टाइम पॉप बनाएंगे। देखिए फिर से आठ चैन बना के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर आठ चैन बना के यहाँ हर एक चैन में दो दो पॉप बनाएंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे दस पॉप बन जाएगा। इसी तरीके से हम पूरा चारों तरफ लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको जोड़ देंगे यहाँ पे और अब हम इस धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ हम दूसरे कलर के ऊन का यूज करेंगे। यहाँ पे दो चैन बनाएंगे और यहाँ पर हम एक पॉप बनाएंगे। देखिए अब हर एक चैन में हम एक एक पॉप बनाते जाएंगे। अब दो चैन बनाएंगे और फिर एक पॉप बनाएंगे। फिर दो चैन बनाएंगे और फिर से हम एक पॉप बनाएंगे। फिर दो चैन बनाएंगे और फिर से एक पॉप बनाएंगे। हर एक चैन में हम एक एक पॉप बनाएंगे। दो चैन एक पॉप। फिर से दो चैन और एक पॉप। फिर से दो चैन फिर एक पॉप। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ पे हमारा नौ पॉप बनेगा। अब हम यहाँ पे अब हम पांच चैन बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच। और अब देखिए हम यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ देंगे। अब फिर हम यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे। एक दो तीन। और देखिए यहाँ ये जो पॉप बनाए हैं इस वाले चैन में हम इस तरह से देखिए इसको बनाते जाएंगे। फिर तीन चैन बनाएंगे, दो तीन। और फिर हम यहाँ इस चैन में देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तीन चैन और इस चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक दो तीन। इस तरह से इस चैन में
तीन चैन और फिर यहाँ हम नीचे ये जो पॉप बनाए हैं इसके नीचे वाली चैन में फिर से तीन चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ तीन चैन बना के यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से तीन चैन और फिर हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से तीन चैन बनाएंगे तीन चैन बनाते जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाते जाएंगे हर पॉप के नीचे जहाँ से हम पॉप बनाए हैं जिस चैन में उसी चैन में हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तीन अब देखिए यहाँ पे हम इस जगह पे यहाँ और फिर हम देखिए ये पॉप के इस साइड में चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाए अब इस साइड में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अब हम दूसरी साइड एक साइड हमारा बन गया अब दूसरी साइड हम इस साइड भी इसी तरह के डिजाइन बनाएंगे फिर से अब हम तीन चैन बनाएंगे और अब हम देखिए इस वाले चैन में हम ऊपर से इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से तीन चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे इस तरह से ऊपर से देखिए ये चैन है ये चैन के ऊपर से हम इस वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर तीन चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से तीन चैन बनाएंगे इसी तरीके से हम डिजाइन बनाते जाएंगे तीन चैन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए यहाँ ये वाला चैन है इस चैन के ऊपर से हम क्रोशिया को यहाँ इस चैन में निकालेंगे और इस तरह से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर तीन चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से तीन चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से तीन चैन बनाएंगे फिर से तीन चैन बनाएंगे और अब हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से डिजाइन बन के आएगा अब हम दो चैन बनाएंगे
और इस वाले चैन में यहाँ से दो चैन छोड़ के, एक दो दो चैन छोड़ के तीसरा चैन में हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे। और अब हम फिर से तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। और फिर अब यहाँ पे हम देखिए इस वाले चैन में अब हम एक पफ बनाएंगे। अब हम फिर से दो चैन बनाएंगे और फिर अब हम यहाँ पे एक पफ बनाएंगे, फिर से दो चैन बनाएंगे और फिर यहाँ एक पफ बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ भी हमारा नौ पफ बन जाएगा। हर एक चैन में एक एक पफ बनाना है। फिर से दो चैन बनाएंगे और फिर एक पफ बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब हम एक और पफ बना देंगे, दो चैन बनाएंगे और एक पफ बनाएंगे। अब हम फिर से पांच चैन बनाएंगे, तीन चार पाँच। और अब हम सेम तरीके से जैसे यहाँ पे बनाए थे उसी तरीके से अब हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ इस वाले चैन में हम इसी तरीके से तीन चैन बनाएंगे और फिर हम इस चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम तरीके से हम यहाँ तक ऐसे चैन बना लेंगे। इसी तरीके से चारों तरफ हम पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चारों तरफ बन के तैयार हो गया है। अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे दो चैन लिए और यहाँ दो चैन छोड़ के तीसरा चैन में हम इसको जोड़ेंगे। फिर से तीन चैन बनाएंगे और अब हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। देखिए इसमें एक पॉप बनाएंगे। अब हम यहाँ पे एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे और यहाँ नीचे में हम इस तरह से स्लिप कर देंगे।
और फिर एक चैन बनाएंगे और इसमें एक और कंगूरा बनाएंगे, एक और पफ बनाएंगे। फिर हम तीन चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इसमें हम पॉप बनाएंगे। फिर तीन चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ इस चैन में इसको देखिए फिर से एक चैन बनाएंगे और फिर सेम चैन में हम एक चैन में दो टाइम पॉप बनाएंगे। फिर तीन चैन बनाएंगे और यहाँ पे इसको स्लिप कर देंगे। एक चैन में दो टाइम पॉप बन गया। अब ए वाला चैन में हम सेम चैन में दो टाइम पॉप बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरा लाइन बना लेंगे। हर एक चैन में हम दो दो पॉप बनाएंगे, हर एक पॉप के ऊपर तीन तीन चैन बना के है कंगूरे का आकार के बनाते जाएंगे। फिर से तीन चैन बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इसमें हम दो टाइम पॉप बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इसमें एक टाइम और पॉप बनाएंगे। हर एक चैन में हम दो टाइम पॉप बनाएंगे, हर पॉप के ऊपर हम तीन चैन बना के और नीचे वाले चैन में हम इसको स्लिप करेंगे और फिर से एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ हम सेम चैन में एक और पॉप बनाएंगे। फिर से तीन चैन बनाएंगे
देखिए एक डिजाइन का हमने बना ली है, देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ आएंगे, इसमें अब हम एक चेन में दो टाइम पॉप बनाएंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर हम इसी चेन में हम एक टाइम और पॉप बनाएंगे, ये देखिए, फिर तीन चेन बनाएंगे और यहाँ इस तरह से लास्ट वाला चेन में हम इसको स्लिप कर देंगे। इस तरह से हमारा कंगूरे का आकार बन जाएगा। फिर एक चेन लेंगे और फिर आगे वाले चेन में हम दो टाइम पॉप बनाएंगे, ये देखिए, फिर तीन चेन लेंगे और फिर नीचे वाले चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ एक टाइम पॉप बनाएंगे। इसी तरीके से हम चारों तरफ बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने चारों तरफ बना ली है। अब हम इसको देखिए, यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ ख़त्म हो गया। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे ऐसे, और धागे को कट कर देंगे। देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत थालपोश बन के तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।